पिछले लेक्चर में मैंने आपको नगरीय भूगोल के विषय क्षेत्र अध्ययन के कुछ क्षेत्रों जैसे नगरीय अधिवासों की उत्पत्ति एवं विकास, नगरों का बसाव स्थान व स्थिति, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में नगरीकरण की प्रक्रिया एवं प्रवृत्तियां, नगरीय अधिवासों की जनांकीय संरचना आदि के बारे में बताया था। आज के लेक्चर में मैं आपको नगरीय भूगोल के विषय क्षेत्र के अन्य अध्ययन क्षेत्रों की जानकारी दूंगी। किसी भी प्रदेश या देश में बहुत अधिक संख्या में कस्बे, टाउन्स व नगर, सिटीज़ पाए जाते हैं, जिनकी विशेषताओं, कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। अतः नगरों के मीनिंगफुल कैटेगराइजेशन के बिना नगरीय अधिवासों का अध्ययन आसान नहीं होगा। नगरों को उनकी जनसंख्या, भौतिक लक्षणों, फिजिकल एट्रीब्यूट्स अर्थात बसाव स्थान के कारकों, फैक्टर्स ऑफ साइट, सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं, ऐतिहासिक विकास हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, राजनैतिक व प्रशासनिक भूमिका एवं स्तर, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव रोल एंड स्टेटस, आर्थिक आधार अर्थात नगर में होने वाले विभिन्न कार्यों जो कि वहाँ की जनसंख्या की ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर व्यावसायिक संरचना के आधार पर निर्धारित होते हैं। इन सभी आधारों पर नगरों का वर्गीकरण गुणात्मक क्वालिटेटिव तथा मात्रात्मक क्वांटिटेटिव मेथड्स के द्वारा किया जा सकता है। नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण फंक्शनल क्लासिफिकेशन नगरों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों जैसे औद्योगिक, इंडस्ट्रियल, व्यापार एवं वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स, परिवहन व संचार, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, धार्मिक, सांस्कृतिक, रिलीजियस, कल्चरल व अन्य विशेषीकृत कार्यों स्पेशलाइज्ड फंक्शंस पर आधारित है। नगरीय कार्यों से संबंधित न्यूमेरिक डेटा की उपलब्धता के कारण नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण फंक्शनल क्लासिफिकेशन मात्रात्मक विधियों क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के द्वारा किया जाता है। किसी भी नगर का स्वरूप, फॉर्म, उसकी इमारतों, बिल्डिंग्स, सड़कों, स्ट्रीट्स, खुले स्थानों, ओपन स्पेसेस, प्लॉट्स, भूमि के टुकड़े, पार्सल्स ऑफ लैंड से बनता है। इमारतों, सड़कों, खुले स्थानों, प्लॉट्स के स्वरूप या प्रतिरूप, पैटर्न तथा डिज़ाइन से मिलकर किसी नगर की आकारिकी, मॉर्फोलॉजी बनती है। नगरीय आकारिकी का अध्ययन नगर के किसी क्षेत्र, किसी नगर विशेष या प्रादेशिक आधार पर कर सकते हैं। नगरीय आकारिकी अर्बन मॉर्फोलॉजी का ऐतिहासिक दृष्टिकोण हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर भी अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि
नगरीय आकारिकी के तत्व एलिमेंट्स समय के साथ रिप्लेस व रूपांतरित ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। नगरीय आकारिकी से संबंधित समस्याओं का भी अध्ययन एवं विश्लेषण एनालिसिस करना चाहिए, जिससे भविष्य में बेहतर प्लानिंग व मैनेजमेंट किया जा सके। नगरीय भूमि उपयोग लैंड यूज से अभिप्राय है कि नगरीय भूमि स्थान व बिल्डिंग्स किन कार्यों या उपयोगों में प्रयुक्त हो रही है। नगरों के आवासीय क्षेत्र रेजिडेंशियल एरियाज, व्यावसायिक क्षेत्र कमर्शियल एरियाज, औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया, यातायात मार्गों ट्रांसपोर्टेशन रूट्स, विभिन्न संस्थानों इंस्टीट्यूट्स जैसे स्कूल कॉलेजेस, सरकारी कार्यालय गवर्नमेंट ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स, धार्मिक स्थान, बैंक्स, फाइनेंस ऑफिसेस, पार्क, प्लेग्राउंड्स, खेल के मैदान, मनोरंजन केंद्र रिक्रिएशनल सेंटर्स आदि में भूमि उपयोग का अध्ययन करना, साथ ही नगरीय भूमि उपयोग का कार्यात्मक पृथक्करण फंक्शनल सेग्रीगेशन तथा क्षेत्रीकरण जोनिंग का अध्ययन व विश्लेषण करना। नगरीय अधिवास मानव द्वारा अपने पर्यावरण के साथ लगातार अंतःक्रिया इंटरैक्शंस के परिणाम हैं। इन अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप नगरीय क्षेत्र के भीतर एवं नगरीय क्षेत्रों के मध्य तथा इनकी जनसंख्या के मध्य विभिन्न प्रकार के अंतर संबंध उत्पन्न होते हैं। नगरीय अधिवासों के मध्य के ये अंतर संबंध अंतर्निर्भरतापूर्ण इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं, अर्थात विभिन्न नगरीय अधिवास एक दूसरे पर विभिन्न कार्यों एवं सेवाओं के लिए निर्भर रहते हैं। इसी तरह नगर अपने चारों ओर के अनगरीय क्षेत्र कंट्रीसाइड के साथ भी अंतर्निर्भरता इंटरडिपेंडेंस रखते हैं, अर्थात नगरीय व ग्रामीण क्षेत्र विभिन्न कार्यों एवं सेवाओं सर्विसेज के लिए एक दूसरे पर परस्पर निर्भर म्यूचुअली डिपेंडेंट होते हैं। रे एम नॉर्दम ने नगरों व मानव के बीच विभिन्न प्रकार के संबंधों को समझाया है। ये संबंध हैं नगरीय स्थल व उसकी जनसंख्या के मध्य अंतःक्रियात्मक संबंध, विभिन्न नगरीय स्थलों के मध्य संबंध जिनसे नगरीय अधिवासों के स्थानिक वितरण प्रारूप स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न स्थानिक दूरी स्पेशियल डिस्टेंस को समझ सकते हैं, या यूं कहें कि नगरीय अधिवासों की स्पेसिंग को समझ सकते हैं। नगरीय अधिवासों के लोगों के मध्य पाए जाने वाले अंतर संबंध जो कि मुख्यतः सामाजिक आर्थिक प्रकार के होते हैं, एक ही नगरीय स्थल के लोगों के मध्य के अंतर संबंधों का अध्ययन।